नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप भी अपने पाम का पेड एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरी फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। आज जो पाम की हम लोग एनालिसिस करेंगे, इनकी एज है 33 ईयर्स और ये जॉब करते थे, अभी इन्होंने अपने जॉब छोड़ दिए हैं और ये चाहते हैं कि एक्टिंग एज ए करियर ये चूज़ करें, फिल्म इंडस्ट्री में आए और अपनी जो सक्सेस है उसे अचीव करें। तो ये कितनी दूर तक मुमकिन होगा, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या ऑब्स्टकल है, कितनी दूर तक इनको सक्सेस मिल सकती है, वो सब चीज़ों की हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो एक्टिंग एज ए प्रोफेशन अगर चूज़ करना है किसी को, चाहे किसी भी तरीके का कॉपी डाट हो, सिर्फ एक्टिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक्टिंग की ही बात करेंगे। तो एक्टिंग एज ए प्रोफेशन अगर आपको चूज़ करनी है तो पहली जो शर्त है कि आपको उस कला में माहिर होने का जो संकेत है वो दिखना चाहिए। वो दिखेगा आपको एक ही माउंट से, वो है वेनस माउंट। वेनस माउंट जैसे कहते हैं कि उभरा हुआ होना चाहिए, अंडे की तरह वेनस माउंट की जगह फूली होनी चाहिए, जगह बड़ी होनी चाहिए, तभी जाके हम लोग एक वेनस माउंट को डेवलप माउंट मानेंगे। तो यहाँ पे क्या है, वो वेनस माउंट डेवलप है, ऑब्वियसली है, जगह भी बड़ी मिल रही है, बिल्कुल राउंड शेप में है और यहाँ पर आप जैसे अंडे की तरह उभरापन यहाँ पर आप देख पाएंगे क्लियरली है। ये एक अच्छी वेनस माउंट की इंडिकेशन है। हर एक आर्टिस्ट, हर एक मेल आर्टिस्ट, फीमेल आर्टिस्ट को कभी कभी पता नहीं चलती है लेकिन होती है, उनके पैटर्न किसी और दूसरी तरह के होते हैं, लेकिन किसी भी मेल आर्टिस्ट को अगर आप देखेंगे तो उनके वेनस माउंट ज़बरदस्त होगा, बड़ी होगी, इनका भी है। तो ये क्वालिटी तो है और इसी वेनस माउंट के कारण ही आप में ये जो एक इच्छा हुई कि मैं एक्टिंग के दुनिया में जाऊँ और एक्टर बनूँ, ये वेनस माउंट के कारण ही आपकी हुई। जो वेनस माउंट हमें एकदम राइट कंडीशन में है कि आप ज़रूर बन सकते हैं। और क्या चीज़ चाहिए होगी आपको? चाहिए होगी फेम। सिर्फ एक्टिंग होने से ही सब कुछ नहीं होती है, क्योंकि एक्टर तो बहुत सारे होते हैं लेकिन उनमें फेम कितने को मिलती है। तो फेम मिलने के लिए जो जगह है वो है सन माउंट। सन माउंट को अगर हम लोग देखेंगे, सन जो है हम लोगों की फेम देती है, गुडविल देती है, लोगों के सामने हम लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी को बढ़ाती है। तो यहाँ पे देखेंगे तो सन माउंट को देखेंगे तो सन माउंट की जगह जो है ठीक है, बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन सन की अगर माउंट के अंदर तक हम लोग जाएँ तो हमें दिखेगा कि यहाँ पे कोई बहुत बढ़िया पॉजिटिव इंडिकेशन हमें मिल नहीं रहा है। एक यहाँ पे ट्रायंगल की फॉर्मेशन है जो अच्छी साइन है, सक्सेस को देती है, लेकिन इस साइन को अगर हम लोग क्लियरली देखने के और समझने की कोशिश करेंगे तो ये एक हल्की है। ऊपर से यहाँ पे अगर देखेंगे तो काफ़ी लाइन मोटी है और बिल्कुल हल्की है। तो ये जो है साइन है ये अधूरा है और अधूरा साइन आपको पूरा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। जैसा मैंने ड्रॉ किया, अगर इस तरीके का क्लियर लाइन से बनता तो ज़रूर ये एक अच्छी साइन होती और आपको सक्सेस मिलता, लेकिन ये साइन जो है बन तो रही है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। तो सन की कमज़ोरी के कारण क्या होगी कि आपकी अभी तक तो 33 ईयर्स एज हो चुकी है लेकिन बहुत बड़ी सक्सेस अभी तक आपको नहीं मिल पाई, ये इस कारण से कि आपकी सन माउंट जो है कमज़ोर है, जिनके कारण आपको उतनी बढ़िया फेम नहीं मिल पा रही है। एस्ट्रोलॉजिकल जो रेमेडी है उसके द्वारा हम इसे थोड़ी सी पावरफुल कर सकते हैं, उसके बाद देखेंगे कि कितनी ज़्यादा सक्सेस आपको मिल सकती है। लेकिन सन माउंट जब तक के ना ज़्यादा पावरफुल हो, चाहे वो खुद ही हो जाए या फिर रेमेडी से हो, तब तक बहुत बड़ी सक्सेस मिलना मुश्किल है। तीसरी जो चीज़ चाहिए वो है मरकरी की फिंगर। मरकरी की फिंगर में हमें क्या चाहिए? एक तो क्रॉकनेस चाहिए, क्योंकि आप अपने काम में एक्सपर्ट होना चाहिए, फिर जाके आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। एक्सपर्ट बिना कोई रिकॉग्निशन नहीं होती है। आपकी छोटी फिंगर बहुत ही ज़्यादा क्रॉक है जो आपको एक्सपर्ट बनाएगी। आप अपने काम में माहिर होंगे और एक्टिंग अगर आपने चूज़ किया है तो मैं शर्त प्रसिद्ध, मतलब 100% श्योर हूँ कि आप अपने एक्टिंग में मास्टर हैं, क्योंकि छोटी फिंगर क्रॉक है तो इसका मतलब आप अपने काम में जो काम आपको पसंद हो उसमें आप मास्टर होंगे ही। तो ये एक चीज़ दिखाती है, तो अपने आप के काम में तो आप मास्टर हो, लेकिन रिकॉग्निशन में नहीं, सन की बात है। हाँ, फिंगर जो है थोड़ी छोटी है, थोड़ी सी छोटी होने के कारण क्या होती है ना, थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है पब्लिक अपीयरेंस में। जब आप पब्लिकली जाएंगे, एक्टिंग करेंगे ना स्टेज में या फिर रोड में या स्टूडियो में, बहुत सारे लोग आपके आसपास रहेंगे जो आपके आपको एक्टिंग करता हुआ दिखेगा, तब फ़र्क आएगा। तब देखिएगा, आप भी देखिएगा कि तब फ़र्क आती है। अगर आप अकेले प्रैक्टिस करते जितनी बेहतर आप रिजल्ट दे पाते हैं उतनी ज़्यादा लोगों के सामने आपको देने में मुश्किल आ जाएगी।
ये टाइम की बात है, ये आपको लंबा समय तक करना पड़ेगा, करने के बाद आप धीरे धीरे जो है इसको ठीक मैनेज कर पाएंगे, लेकिन शुरुआत में इसके लिए आपको रेमेडी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपकी रेमेडी दो चाहिए होगी, एक सन और दूसरी मरकरी, ये चाहिए ही होगी, सन की तो मस्ट है और साथ में मरकरी की भी ज़रूरत पड़ेगी। ये दो चीज़ की कमियां हमें देखने को मिल रही है, एक ये फिंगर थोड़ी छोटी होने के कारण और दूसरी सन माउंट में बहुत बढ़िया कोई पॉजिटिव साइन ना होने के कारण और एक साइन जो है कमज़ोर होने के कारण, ये दो प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है जो बहुत बड़ी सक्सेस देने में अड़चन डालेगी या बाधा डालेगी आपकी रास्ते पे। अभी हम लोग थोड़ा बाकी जो पाम है उसकी थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव चीज़ हमें देखने को मिलती है। पाम की साइज़ काफ़ी बड़ी है, एक्टर की पाम बड़ी ही होनी चाहिए, छोटी पाम वाले एक्टर बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव नहीं कर पाते हैं क्योंकि मेहनत काफ़ी होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है और लंबे पाम वाले या बड़े पाम वाले ही इस तरीके का मेहनत को अंजाम दे पाते हैं। तो आपकी पाम बड़ी है, आप इसके कारण आप खूब सारा मेहनत लंबे समय तक कर पाएंगे। थंब काफ़ी लंबी है जो आपके लिए बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव चीज़ रहेगी कि लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटी, एक्टिंग करेंगे तो क्या होगा ना, एक्टिंग करेंगे तो लाखों करोड़ों लोगों को आपको इम्प्रेस करना पड़ेगा अपने एक्टिंग से, वहाँ वहीं पर आपकी ये स्ट्रॉन्ग थंब काम में आ जाएगा, आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से इम्प्रेस कर पाएंगे, इन्फ्लुएंस कर पाएंगे अपने एक्टिंग के या अपने काम के द्वारा, जो अपने क्वालिटी हमें यहाँ पे बढ़िया देखने को मिल रही है। थंब जो है बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है आपके लिए। व्हील और लॉजिक पावर दोनों ही बराबर हिस्सों में बटी हुई है, ठीक है, व्हील पावर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग होता तो और बेहतर होता, लेकिन कमज़ोर है नहीं, कमज़ोर नहीं है लेकिन स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होता तो बेहतर होता। क्यों? क्योंकि आपकी जो काम है वहाँ पे एग्जीक्यूशन की ही ज़्यादा महत्व है, वहाँ पे आपको प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्लानिंग के लिए डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है और भी बहुत सारे लोग हैं जो प्लानिंग कर लेंगे, आपको बस एग्जीक्यूशन करना चाहिए। तो उसके लिए क्या चाहिए होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है व्हील पावर। तो व्हील पावर ठीक ठाक है आपके, थोड़ा आपको यहाँ पे भी मेहनत करना पड़ेगा, अपने प्लानिंग अपने जो प्लान है उसको थोड़ा दबा के रखना पड़ेगा और जो सामने वाले आपको कहते हैं बिना कोई झिझक के या बिना कोई अपना दिमाग लगाए उसको पालन करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपकी व्हील पावर लॉजिक पावर काफ़ी स्ट्रांग है ना। तो आप क्या होगी, कोई अगर आपको कुछ प्लान देगा ना तो आप उससे सोचेंगे, उसके मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत अपने अंदर, ये अपने हैबिट रहेगा, क्योंकि आपकी लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहेगी, आप लोगों की लॉजिक पावर स्ट्रांग है ना तो आपकी लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहेगी, आप लोगों को अच्छी तरह से मैनेज करने की आप में क्वालिटी होगी और आपको प्लानिंग करने की भी बहुत ज़्यादा क्षमता होगी, लेकिन उसको कभी कभी रोक के रखिएगा तो आपके लिए करियर के लिए बेहतर रहेगा। बाकी जो फिंगर है ना, चारों के चारों फिंगर आप देखिए थंब के ऊपर ढलने की कोशिश करता है, मतलब इस तरीके से टेढ़ा है सारे जो फिंगर है वो। तो ऐसे लोग थोड़ा एक्स्ट्रोवर्ट होते हैं, एक्स्ट्रोवर्ट मतलब ऐसे लोगों को बाहर घूमना फिरना ज़्यादा अच्छा लगता है, दोस्तों के साथ बाहर टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, जो आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी क्योंकि आपकी काम में ज़्यादातर टाइम आपको घर से ही बाहर रहना पड़ेगा। ऐसे लोग थोड़ा डिमांडिंग भी होते हैं अपने करीबों लोगों से, चाहे वो दोस्त हो, रिलेटिव हो, कोई भी हो, थोड़ा ज़्यादा डिमांडिंग बनाता है ऐसे इंसान को, डिमांडिंग जो नेचर है वो थोड़ी नेगेटिव होती है एक्स्ट्रोवर्ट जो पाम है उसमें, ये थोड़ी अपने और एक जो है क्वालिटी देखने को मिलेगी। बात करते हैं माउंट की, क्या क्या है आपकी माउंट में। मरकरी माउंट ठीक है, यहाँ पे खड़ी लाइन देखने को मिल रही है और कोई साइन वगैरह इस तरीके का कुछ है नहीं। मरकरी माउंट की आपकी बहुत ज़्यादा तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एनालिसिस करने की या बिजनेस की सेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जब भी ठीक है जितना है ये हमें ठीक ठाक देखने को मिल रही है। सन माउंट की हम लोग बात पहले ही कर चुका हूँ, सन माउंट ठीक है लेकिन सन माउंट में बहुत स्ट्रॉन्ग कोई साइन बढ़िया साइन ना होने के कारण थोड़े कमज़ोर है। सैटर्न माउंट दबी होनी चाहिए, दबी है, यहाँ पे हमें एक ही लाइन देखने को मिल रही है, धन रेखा बहुत ज़्यादा है नहीं, तो क्या होगी ना धन की थोड़ी कमी रहेगी, जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए धन आपके पास थोड़ा कम रहेगा। हाँ, वो टाइम बीतने के बाद आपके पास धन आएगा, ऐसा नहीं कि धन नहीं आएगा, लेकिन जो चीज़ की ज़रूरत जब पड़ेगी उस टाइम में थोड़ी धन की कमी रहेगी। जुपिटर माउंट थोड़ा कमज़ोर है, जुपिटर माउंट कमज़ोर है क्योंकि जगह कम मिल रही है। हाँ, एक बढ़िया चीज़ है कि आपकी फेथ लाइन जुपिटर माउंट तक आ रही है तो अल्टीमेटली आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी जॉब में, जो भी आप काम काज करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा जब कमज़ोर होना जुपिटर तो बड़ा सक्सेस मिलने में दिक्कत आ जाती है। तो आपकी तीन जो माउंट है अपर माउंट, ये तीन नेगेटिव है, ये तीन नेगेटिव माउंट क्या करेगी, ये रिकॉग्निशन या सक्सेस, बड़ी सक्सेस देने में बाधा डालेगी,
ये माउंट कमज़ोर नहीं है मरकरी, लेकिन ये फिंगर कमज़ोर होने के कारण पब्लिक अपीयरेंस में थोड़ी दिक्कत पैदा करेगी शुरुआत में, और ये क्या करेगी, बड़ी सफलता देने में थोड़ी अड़चन डालेगी बड़ी सफलता देने के लिए। हाँ, तो ये तीन माउंट की आपको रेमेडी करनी पड़ेगी। मंगल माउंट ठीक ठाक है, जगह अच्छी खासी मिल रही है, तो एनर्जी लेवल आपकी हाई रहेगी, एनर्जी आपको चाहिए भी होगी। डिफेंस मार्स को देखेंगे तो यहाँ से देखिए डिफेंस मार्स उभरा हुआ है, दोनों के दोनों मार्स ही काफ़ी पावरफुल है, तो जब मार्स माउंट पावरफुल हो तो आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी, जितनी एनर्जी चाहिए होगी आपकी काम में, लाइफ में, बाकी सारे चीज़ करने के लिए, वो आपके पास एनर्जी और ऊर्जा हमेशा रहेगा। फील्ड में काम आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे, आप लोगों के जो एक्टिंग के काम होते हैं मेनली फील्ड में ही होती है, इनडोर कम होती है, आउटडोर ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे भी आपको सक्सेस मिल जाएगी। ये सब कुछ के लिए मंगल माउंट जो है आपके काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन यहाँ पे एक लिटिगेशन लाइन जैसी देखने को मिल रही है। सीधी है तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, टेढ़ी होती तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती, फिर भी लिटिगेशन लाइन है तो थोड़ी बहुत लिटिगेशन का प्रॉब्लम आ सकती है, मामला मुकदमे में फंस जाना या कोई लंबे टाइम तक कोई मामला मुकदमे अटके रहना, ये सारी चीज़ों की इंडिकेशन की ये लाइन है। वेनस माउंट को देखेंगे, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही पॉजिटिव, साथ में थंब जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो ये दो चीज़ मिलके इस एरिया को बहुत ही ज़्यादा हाईली पॉजिटिव बनाती है, जिनके कारण आपकी एक्टिंग, जो आपने प्रोफेशन चूज़ किया है और इसकी जो सक्सेस है ज़्यादातर इसी एरिया से ही आपको मिल पाएगी। लग्जरी लाइन है, लग्जरियस लाइफ लीड करेंगे आप, महंगी गाड़ी, महंगा घर, जो प्रोडक्ट होते हैं ब्रांडेड कपड़े, ये सब आप इसमें आप खूब सारे पैसे इन्वेस्ट करेंगे या खर्चा करेंगे, लग्जरी लाइफ आपकी देखने को मिल रही है। खड़ी लाइन है लेकिन उतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं, तो ये लाइन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता तो मेहनत का फल बहुत जल्दी मिल जाता आपको, लेकिन थोड़ी कम होने के कारण अभी प्रेजेंट टाइम में मेहनत का फल थोड़ा मिलने में दिक्कत आएगी। चंद्रमा माउंट ठीक ठाक है, यहाँ पे एक अच्छी साइन देखने को मिल रही है, तो ट्रैवलिंग होगी आपकी, टूर ट्रैवल है आपके पास, क्योंकि काफ़ी ट्रैवलिंग लाइन है तो टूर ट्रैवल रहेगा, और माउंट जो है जगह बड़ी भी मिल रही है, क्लियर भी है, इमेजिनेशन पावर आपकी काफ़ी क्लियर रहेगी, क्रिएटिविटी लेवल हाई रहेगी, जो इंट्यूशन पावर है वो भी काफ़ी हाई रहेगा। अभी बात करेंगे मेन लाइंस की, मेन लाइंस को देखेंगे तो मेन लाइंस जो है मोटी है, आपके सारे मेन लाइंस जो है काफ़ी थिक है, तो जब थिक मेन लाइंस हो तो ऐसे लोगों को सक्सेस बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ही मिल पाती है, छोटी मोटी मेहनत से आप लोगों को सक्सेस नहीं मिलती है, बहुत ज़्यादा जीत और मेहनत करनी पड़ेगी उसके बाद ही सक्सेस मिलेगा, इस बात का हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ही आपको रिजल्ट मिल पाएगी, क्योंकि आपकी जो मेन लाइन्स हैं वो मोटी है, ठीक है, ये लेबर के पाम के इंडिकेशन है, मतलब जो लोग लेबर देते हैं बहुत ज़्यादा फिजिकल हो या मेंटल हो लेबर देते हैं ना, उस तरीके का पाम की लाइन्स है, तो आपको बहुत ज़्यादा फिजिकल लेबर देनी पड़ेगी, मेंटल लेबर देनी पड़ेगी, फिर जाके आपको सक्सेस मिलेगा, आसानी से मिलने वाली नहीं है। हार्ट लाइन से कोई लाइन फॉल नहीं हो रही है, कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है लाइन में, यहाँ पे देखेंगे तो ये लाइन आके यहाँ पे मिल रही है, तो ये रिलेशनशिप में थोड़ी तनाव देगी, ये भी एक रिलेशनशिप में तनाव की इंडिकेशन है, तो रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत तनाव रहेगा। अब बात करते हैं माइंड लाइन की, माइंड लाइन आपकी है छोटी, तो जब छोटी माइंड लाइन हो ना, ऐसे लोगों को जॉब नहीं करनी चाहिए, आपने जॉब छोड़ दिया है, तो जॉब अगर करने का आपका इच्छा भी होता कि मैं और कुछ नहीं मिल रहा है मुझे जॉब ही करना है, तो मैक्सिमम कोई भी किसी भी कंपनी में आप 2-2.5 साल टिक पाते, उसके बाद आइधर आप छोड़ देते हैं या आपको छुड़ा दिया जाता, इतनी छोटी माइंड लाइन है। ऐसे लोगों को प्रोफेशन में ही जाना चाहिए या फिर बिजनेस में जाना चाहिए, लेकिन एक चीज़ है, आपने जॉब छोड़ दी माइंड लाइन के कारण, आपको छोड़ना ही था, सिर्फ आपने कहा कि एक्टिंग के लिए आप छोड़ रहे हैं, एक्टिंग के लिए आपने नहीं छोड़ा, आपकी माइंड लाइन छोटी है, एक्टिंग ना भी करते तो भी आप छोड़ देते, शायद दूसरी कंपनी में जाते, अगर नहीं छोड़ते तो आपको छुड़वा दिया जाता, तो ये ऐसे छोटे माइंड लाइन वालों को जॉब में टिक पाना मुश्किल होती है, ऐसे लोगों की जॉब अगर करते भी है तो चेंज होती रहती है, और आप प्रोफेशन में गए हैं तो ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि एक फिल्म करेंगे 1-1.5 साल का 2 साल का होगा आपका पीरियड, वो कॉन्टैक्ट छूटा फिर आपको दूसरी फिल्म ढूंढनी पड़ेगी या आपके पास आएगा, तो ये जो माइंड लाइन है ना छोटी माइंड लाइन, ये आपके लिए परफेक्ट है, जो काम आपने चूज़ किया है, छोटे छोटे काम, छोटे छोटे वेंचर होगी आपकी लाइफ में, और उस वेंचर के लिए पर्टिकुलर पैसे आपको मिलता रहेगा, तो ये माइंड लाइन आपके जॉब के हिसाब से परफेक्ट है, परमानेंट कभी भी काम आपसे
नहीं हो पाएगी। हाँ, और एक चीज़ पॉजिटिव है, ये माइंड लाइन को अगर एक्सटेंड करेंगे तो इम्यून माउंट की तरफ आ रही है, जो पॉजिटिव है। ये एक इंसान की क्रिएटिविटी लेवल, राइटिंग एबिलिटी, इस चीज़ को दिखाती है जो आप में है, और इस प्रोफेशन में ये चीज़ की ज़रूरत भी रहती है। लाइफ लाइन की बात करेंगे, लाइफ लाइन की दो ब्रांचेस है, एक तो सीधी राउंड शेप में जा रही है वीनस माउंट की तरफ जो पॉजिटिव है, और इसके एक ठीक ब्रांचेस आ रही है मून माउंट में, जो दिखा रही है कि आपकी जो सेटलमेंट होगा वो जन्म स्थान से बहुत दूर होगा। सेटलमेंट बहुत दूर होगा, चाहे वो देश के अंदर भी हो सकती है, क्योंकि इंडिया एज ए कंट्री बहुत बड़ी कंट्री है, तो हो सकती है कि आप जहाँ पे आपका जन्म हुआ है वहाँ से बहुत दूर उसी कंट्री में आप सेटल हो जाए, या ऐसा भी हो सकती है कि रियल में आप किसी फॉरेन कंट्री में जाके सेटल हो जाए, लेकिन सेटल जो होना है आपको वो जन्म स्थान से बहुत दूर ही होना है, उसकी क्लियर कट इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। हाँ, काम के लिए भी आपको फ्रिक्वेंटली बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ सकता है, विदेश हो, देश के अंदर ही बहुत दूर हो, ये भी यहाँ पे हमें इंडिकेशन देखने को मिल रही है। काम के लिए भी जाना पड़ेगा और बाद में चल के लेटर लाइफ में आप सेटल भी होंगे बहुत दूर कहीं पे। तो ये हो गई आपकी मेन लाइंस, पैटर्न हम लोग समझ लिए मेन लाइंस की। हम लोग थोड़ा लाइफ लाइन को समझ लेते हैं कि लाइफ लाइन है कैसा। शुरुआत से देखेंगे तो चेन की जैसी और जॉब की जैसी फॉर्मेशन चल रही है, ये दिखाती है स्ट्रगल। इनके लाइफ शुरू से ही स्ट्रगल थी, चाइल्डहुड, टीनेज, इवन यंग एज। इसकी अगर हम लोग एज कैलकुलेशन करेंगे तो करीब करीब 28-29 तक तो आपके लाइफ में काफ़ी ट्रेवल थी ना, उसके बाद भी 30 तक, 30-31 तक तो प्रॉब्लम काफ़ी थी, हेल्थ वाइज, इमोशनल या फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ में थे, क्योंकि जॉब साइन हमें क्लियरली देखने को मिल रही है। एक जॉब साइन आई, इस तरीके का जॉब साइन एक लॉन्ग टाइम तक हेल्थ इशूज़ तो देता ही है, हेल्थ इशूज़ रहेगा, लेकिन मुझे जो लग रही है आपके पाम देख के, आप एक्सरसाइज करते हैं, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो ये जॉब साइन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, अगर नहीं करेंगे तो समझ लीजिए आगे जो आपकी लाइफ लाइन है सीधी है। इस लाइन को अगर हम लोग इग्नोर करें तो इसको हम लोग सीधी मानेंगे, तो कमज़ोरी तो थोड़ी है, तो जब भी आप एक्सरसाइज छोड़ देंगे आपकी हेल्थ बहुत जल्दी फास्ट डिटोरेट होगा और कमज़ोरी आएगी, थकान आएगी, आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा, आप एनर्जी नहीं महसूस कर पाएंगे, आपको कम काम में मन नहीं लगेगा, आपका फिजिकल बॉडी का जो अपीयरेंस रहेगा वो डिटोरेट करेगा, वो कमज़ोर होता रहेगा, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील करेंगे। तो हमेशा एक्सरसाइज करते रहिएगा, ठीक है। लाइफ लाइन जिनको भी, जिन लोगों के भी कमज़ोर है, ये लाखों रुपये का रेमेडी मैं बता देता हूँ यहाँ पर फ्री में, कह सकते हैं कि एक बहुत ही ज़्यादा रेमेडी है, आशीर्वाद है। जिन लोगों के भी लाइफ लाइन कमज़ोर है, एक्सरसाइज करिए, कुछ भी नहीं चाहिए, आप हेल्दी रहेंगे, एक्सरसाइज छोड़ देंगे फिर से कमज़ोर हो जाएंगे। तो एक्सरसाइज करते रहिएगा, आपको हमेशा जो ताकत की फीलिंग है, एनर्जी की जो फीलिंग है वो आती रहेगी। अभी हम लोग बात करेंगे इनके कैरियर को लेके, कैरियर में कब सक्सेस मिलेगा, कितना सक्सेस मिल पाएगा, और ये कमज़ोरी जो है मैंने, हम लोगों ने देखा है, उसको लेके कितनी बड़ी सक्सेस अचीव हो सकती है, उसको अगर दूर करेंगे तो कितनी ज़्यादा सक्सेस मिल सकती है। तो कैरियर की बात करेंगे तो आपकी शुरू से ही फेथ लाइन हमें देखने को नहीं मिल रही है, छोटी मोटी लाइन इधर है थोड़ी सी बहुत, ये वाला कुछ यहाँ पे कुछ जो आपको टाइम टू टाइम छोटी मोटी सक्सेस दे चुका है, अभी तो कुछ नहीं है। अभी जो आपकी एज है 35 के करीब तो यहाँ पे बिल्कुल भी खाली है, लेकिन मेन फेथ लाइन उठ रही है कहाँ से, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से हमें मेन फेथ लाइन उठता हुआ देखने को मिल रही है। एज कब होगा आपका, एज करीब करीब होगा 37-38, इस एज को फॉलो करिएगा 37-38, वहाँ पे जाके आपको अच्छा सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा, जो पैसे के मामले में आपको अच्छी सक्सेस देगा, पैसे के मामले में अच्छी सक्सेस आपको मिल पाएगा 37-38, ठीक है ना। तो 37-38 के बाद आपको अच्छा सक्सेस मिल पाएगा, वो हमें फेथ लाइन से समझ में आ रही है। तो अभी क्या होगी, अभी कुछ छोटा मोटा आपको जो भी रोल मिले, जो भी काम मिले उसको करिए, ऐसा कभी भी मत करिएगा कि छोटा कोई काम मिल रहा है तो मैं नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं, समझ लीजिए आपका भी फेथ लाइन है नहीं, जो भी मिलेगा उसको करना है, क्यों करना है, पैसे के लिए नहीं करना है, आगे चल के जब आपका फेथ लाइन स्टार्ट होगी ना, ये जो आप काम कर रहे हैं अभी चैरिटी के लिए समझ के कर लीजिए, ये जो काम है ये काम का रिज़ल्ट, और तब जाके जो काम करेंगे उस दोनों का रिज़ल्ट डबल होके फेथ लाइन जब स्टार्ट होगी तब देना आपको शुरू करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए अगर आपकी सन माउंट स्ट्रांग नहीं होती है, ठीक है, मरकरी माउंट को हम लोग मरकरी फिंगर को छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर वो आप प्रैक्टिस करते रहेंगे 3-4 साल के बाद, अगर रेमेडी ना भी लेंगे तो 3-4 साल के बाद आप हैबिचुएटेड हो जाएंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा।
लेकिन अभी भी अगर प्रॉब्लम आपको दिख रही है तो 3-4 साल के लिए वो रेमेडी कर सकते हैं, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन सन माउंट जो है वो परमानेंट है, ये आपको सक्सेस देगा, ये आपको फेम देगा। फेम जो आप लोगों के प्रोफेशन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो सन माउंट को अगर पावरफुल नहीं किया जाए या सन माउंट पावरफुल ना हो, किस तरीके से पावरफुल हो सकती है, ये लाइन बिल्कुल, ये जो साइन है बिल्कुल क्लियर हो जाए, एक स्ट्रॉन्ग सन लाइन आ जाए, ठीक है ना। ये सारे चीज़ होने के कारण आपके सन माउंट जो है स्ट्रॉन्ग ज़्यादा हो सकती है, जिनके कारण आपको फेम और सक्सेस मिल सकता है। लेकिन कमज़ोर है तो आपको बहुत बड़ा सक्सेस मिलने का चांस नहीं है। हाँ, मीडियम क्वालिटी का जो सक्सेस है वो आपको करियर में मिलने के चांस है, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। लेकिन बहुत बड़ी सुपरस्टार वाली सक्सेस मिलने के चांस करने के लिए सन माउंट का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, तो उस तरीके का आपको सक्सेस मिलेगा। लाइफ लाइन में 2 एसेंडिंग लाइन है, इसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। एज तो एक तो आपका मिल गया है 37-38 के करीब, बड़ी सक्सेस। उसके बाद लाइफ लाइन में देखेंगे तो 42 के करीब और 46-47 होगा ये, और ये करीब करीब 42 होगा जहाँ पे आपको और बहुत ज़बरदस्त सक्सेस मिल पाएगी। तो ये 3 एज रहेगी जहाँ पे आपकी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी मौके और बड़े बड़े सक्सेस आपको मिल पाएगा। तो और मैरिज लाइफ आपकी कैसी रहेगी, रिलेशनशिप में थोड़ी तनाव है, हम लोग पहले ही कह चुका हूँ, यहाँ पे भी थोड़ी उबड़ापन देखने को मिल रही है। मेजर कोई प्रॉब्लम है नहीं, ऐसा नहीं है कि शादी आपका टूट जाएगा। हाँ, शादी होने में दिक्कत कुछ हो सकती है क्योंकि आपकी मैरिज लाइन जो है काफ़ी मोटी है। तो उस इस तरीके का अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि मोटी मैरिज लाइन के कारण आपकी शादी होने में दिक्कत हो रही है, तो उसकी रेमेडी मैं बता दूंगा, कीजिएगा। लेकिन रिलेशनशिप आपका मोटा मोटी रहेगा, कभी कभी तनाव रहेगा, कभी कभी आप बिल्कुल ठीक रहेंगे, एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास बहुत बढ़िया रिलेशनशिप रहेगा ऐसा भी नहीं, और बहुत ज़्यादा तनाव रहेगा ऐसा भी हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो ये इसी तरीके का हमें एक पाम देखने को मिल रही है आपकी, जिसकी एनालिसिस हम लोगों ने की है। अगर आप लोगों को याद है, बहुत साल पहले, 3-4 साल पहले मैंने एक पाम का एनालिसिस किया था, जो एक एक्टर ही था, उनके जो थंब थे वो छोटे थे, जिनके कारण मैंने कहा था कि इनको बहुत बड़ी सक्सेस कभी भी नहीं मिल पाएगी, शायद इतना छोटा था इनका थंब। अभी भी वो छोटे मोटे जो सीरियल वगैरह है या जो शॉर्ट फिल्म है, तो मैंने जब उनको प्रेडिक्शन दिया था वो थोड़ा नाराज़ हो गए थे, मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पाते, कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। अगर आप कहें, अगर आपकी कोई सपना बहुत बड़ा है, ड्रीम बड़ा है, और अब मैं आपको कमज़ोरी को गिनाऊँ, तो बहुत ज़्यादा जो 99% पामिस्ट नहीं करते हैं वो आपके बस खासियत ही बता देते हैं। तो क्या होती है कि लोग थोड़ा नर्वस, मतलब खुश नहीं हो पाते, मैं खुश नहीं करना चाहता भी हूँ, लेकिन अभी भी वो जो है उसी तरीके का ही एक्टिंग कर रहे हैं। अभी भी बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव नहीं किया है, 3 साल हो चुके हैं एनालिसिस को, उनका उसी तरीके का ही रहेगा। लेकिन इनमें एक पॉसिबिलिटी है, इनमें एक अच्छी पॉसिबिलिटी ये है कि थंब इनके काफ़ी लंबी है, तो इनके जो फाउंडेशन है ना, इनके जो फाउंडेशन पिलर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ऊपर के जो बिल्डिंग बन रही है उसमें हमको चमकाना चाहिए, जैसे कि सन माउंट हो गया, मरकरी हो गया, ये ऊपर के फाउंडेशन है। बेसिक जो आती है एक्टर के, वो आती है थंब से और वेनस माउंट से, ये एक्टर के जो है वो फाउंडेशन है। और उसमें जो बिल्डिंग बनेगा उसमें आप किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे, कैसे घर बनाएंगे, वो ठीक करेगा सन माउंट और मरकरी माउंट। मतलब ये बहुत बढ़िया एक्टर तो है, बस इनको जो हमें पुश करके, अगर किसी तरीके से पुश किया जाए और फेम और क्लैरिटी दिया जाए, झिझकपन से दूर किया जाए, तो ये बहुत अच्छे सक्सेस अचीव कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन अभी की सिचुएशन में जैसा आपके पाम देखने को मिल रही है, उस हिसाब से आपको मीडियम सक्सेस मिलेगा, क्योंकि सन माउंट आपकी कमज़ोर है, जिनके कारण आपको मीडियम सक्सेस मिलेगा। जुपिटर माउंट आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिनके कारण बड़ी सक्सेस मिलने में बाधा आएगी। ये दोनों चीज़ मिला के आपको मीडियम सक्सेस मिलेगा। फाइनेंशियली भी आप मीडियम ही, अभी तक के सिचुएशन के हिसाब से आप मीडियम या हायर मिडिल क्लास वाली इकोनॉमी को ही एंजॉय कर पाएंगे। तो ये रही इस पाम के एनालिसिस, एक नई पाम लेकर बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए, शुक्रिया आप लोगों का।